अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। बता दें कि कईयों की संपत्ति कुर्क की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 161 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से इस मामले में कुर्क की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में ईडी ये बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आई। यह अहम जानकारी, ईडी ने लगभग 205.49 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। कई चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। ईडी का ढेबर टुटेजा की संपत्ति पर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आलिशान होटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसमें शामिल है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी साझा की है। यह अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं रायपुर के मेयर ढेबर के भाई अनवर की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, कई आरोपियों की लगभग 18 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। 161 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर समेत कई आरोपियों की लगभग 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से आज कुर्क किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसकी कीमत कुल 205.49 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां ईडी का ढेबर टुटेजा की संपत्ति पर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। इसमें आलिशान होटल और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग भी शामिल है। ईडी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी साझा की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ईडी की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर आज ईडी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां ईडी ने लगभग 205.49 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसमें 161 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से आज कुर्क की गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ये ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां ईडी ने 205.49 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी इस मामले में कई एक्शन लेते हुए ईडी नजर आया, उसके बाद आज ये बड़ा एक्शन ईडी का देखने को मिल रहा है, जहां आलिशान होटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कुर्क किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ये ट्वीट है, जो ईडी की ओर से जानकारी साझा करने के लिए पोस्ट किया गया है। बता दें कि पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की संपत्ति जब्त की है, साथ ही रायपुर के मेयर ढेबर के भाई अनवर की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। कई आरोपियों की लगभग 18 चल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जिसमें 161 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से आज कुर्क की गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। ईडी ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी संपत्ति आज ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में कुर्क की है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। लगातार शराब घोटाले को लेकर ईडी एक्शन मोड में नजर आती है, और आज ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां ईडी ने 205.49 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। वहीं ईडी ने मामले में आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शराब घोटाले में एक नई ईएसआईआर दर्ज की है। और आज ये बड़ा एक्शन ईडी की ओर से देखने को मिला, जहां 205.49 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। बता दें कि कई चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से आज कुर्क किया गया। ईडी का ढेबर टुटेजा की संपत्ति पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ये ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। इसमें आलिशान होटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी शामिल है। और ईडी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी साझा की है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, लगातार देखा गया कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी लगातार बड़े एक्शन लेती है, और आज ये अहम एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगभग 205.49 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की गई है। एक बार हम जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर एक बार जानकारी दें। देखिए, ये शराब घोटाला बहुत पुराना मामला है और इस पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और आरोपी वही है। ईडी ने इस बार एक बार फिर से मामला इसमें दर्ज किया है, और जो इस बार जो है अनवर ढेबर और जो पूर्व आईएएस अफसर थे अनिल टुटेजा, उनकी उनकी 16 जो है चल और बाकी अचल संपत्तियों को जो है ईडी ने अटैच किया है।
आपको जो अटैचमेंट में जो है 205 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है जो जिनको अटैच किया है, लेकिन वो बाजार मूल्य देखा जाए तो 205 करोड़ से बहुत ज्यादा है। और ये एक बड़ी कार्रवाई ईडी की, जिसमें जो माना जा रहा है कि जो शराब घोटाले में अब तक जो जहां ढीली चल रही थी उसमें तेजी आएगी। आकांक्षा वही अनिल जी, अगर बात करें तो ईडी का मुख्य आरोप क्या है, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता का भी नाम इसमें शामिल किया गया था, तो इसके बाद आज ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ईडी की ओर से क्या साथ ये आरोप लगाए गए हैं? नहीं देखिए, ये तो आज का नहीं है मामला, पहले का ही मामला है, लेकिन इसमें जो आप जो कह रही है, ये शराब घोटाले का मामला जो है, बॉटलिंग का भी मामला है, और जो पिछली भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरह से जो इसको जो सरकारीकरण किया था, और इसमें एजाज ढेबर एंड कंपनी जो है, जो महापौर है शहर के अभी भी, उनके भाई अनवर ढेबर, इनको आगे बढ़ाया था, और एक आउटसोर्सिंग के जरिए जो है इन्होंने शराब बेचना चालू की थी, और उसमें होलोग्राम का भी मामला है, और बहुत सारे मामले एक साथ जुड़े हुए हैं। उसमें साफ साफ ये था, पिछली सरकार में उसको घेरने की कोशिश की गई थी भूपेश बघेल को, और उसी सिलसिले में जो है सारी कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन अभी तक जो है ये मामला बस जांच और प्रॉपर्टी अटैचमेंट में ही अटका हुआ है। और अनिल कोटेजा जो है उस समय जो है वो वसूलदार आईएएस अफसर थे और सरकार के बहुत करीब थे, तो उनका भी नाम इसमें इस सिलसिले में शामिल हुआ है। आकांक्षा वही अनिल जी, अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव भी इतने नजदीक हैं, या यूं कहें कि कई चरणों के मतदान हो गए हैं और आगामी समय में होने भी वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर भी कई आरोप लगते हैं, और उसी बीच उस तरीके का बड़ा एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि कई नेताओं का ये जो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, तो क्या लगता है चुनाव में किस तरीके से इसका असर देखने को पड़ सकता है? देखिए, ईडी का ये जो मामला है शराब घोटाला, ये कोई पहली बार इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और ना ही जो है इसका लोकसभा से कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगता है। देखिए, लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय महादेव ऐप जो है सट्टा बेटिंग घोटाला आया था, अगर उसका बहुत असर होता तो भूपेश बघेल खुद चुनाव हारते, जिनका नाम उसमें आया था। देखिए, ये जो आकांक्षा महत्वपूर्ण बात ये है कि शराब घोटाले की जांच है वो एक के बाद एक बार बार हो रही है, लेकिन इसमें जो है अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती दिखी नहीं है जी। बस यही है, लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ते दिख नहीं रहा है, क्योंकि ताजा मामला होता तो समझ में आता, चर्चा का विषय बनता, लेकिन ये तो बहुत पुराना मामला है और उसी पे अब ये कार्रवाइयां आगे बढ़ा रही है ईडी, और उस सिलसिले में आपकी जो आज की जो कार्रवाई है अटैचमेंट की, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की, वो पहली बार देखी जा रही है जी। ठीक है अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि ईडी ने 205.49 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है और एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी साझा की है। बता दें कि पूर्व आईएएस अनिल कुटेजा की संपत्ति को जब्त किया गया है और रायपुर के मेयर ढेबर के भाई अनवर की संपत्ति भी कुर्क की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई आरोपियों की लगभग 18 चल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, इसमें कई आलिशान होटल भी शामिल है। 161 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से आज कुर्क की गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है।